पिछले 3 दिनों से जेपीएससी के पीटी सफल अभ्यर्थी गुलाम हुसैन अनशन कर रहे हैं। इस वक्त रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के पास उनका अनशन अभी जारी है, लेकिन अभी अभी जो पता चला है कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है, थोड़ी तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद मेडिकल टीम यहां पर आई थी। कुछ वहां पर साक्ष्यदर्शी यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश। मेडिकल टीम अभी यहां पर आई थी, उन लोगों से आपकी क्या बात हुई, उन लोगों ने क्या कुछ देखा? उन लोगों ने इनका बीपी जांच किया और इन्हें हॉस्पिटल लेके जाने के लिए बात कहे और बोले कि इन्हें सलाइन चढ़ाया जाएगा। सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत है इनको? हाँ, बहुत ज़रूरत है सलाइन चढ़ाने की, इनकी हालत। हम लोगों ने कहा आप यहीं पे इनकी व्यवस्था कर दीजिए और एक मेडिकल टीम को आप यहीं पे उपलब्ध करा दीजिए। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो हम नहीं करा सकते हैं, इसके लिए आपको ऊपर बात करनी होगी। जी, तो आप लोगों ने फिर आगे प्रक्रिया अपनाई है? हाँ, हमने आगे की प्रक्रिया अपनाई है। यहाँ पे जो एक पुलिस अधिकारी थे, हमने उन्हें बताया है कि हम एक मेडिकल टीम की सुविधा यहाँ पे दिया जाए, तो बोले कि अच्छा ठीक है, हम इसका व्यवस्था कर रहे हैं। ये मतलब पानी वगैरह भी नहीं पी रहे? नहीं, कुछ भी नहीं। 3 दिनों से? हाँ, 3 दिनों से, आज तीसरा दिन है हमारा। जी, तो आप लोग इसको लेकर गंभीर हैं कि अगर कुछ स्थिति बिगड़ती है तो क्या कुछ किया जा सकता है? हाँ, हम लोग इसके लिए है कि मेडिकल टीम को बुलाया जाएगा, यहीं पे इनकी इलाज किया जाएगा सारा कुछ। तो आप देख पाएंगे किस तरह से, अभी यहाँ पर मौजूद थे जब मेडिकल टीम आई थी, तो उन लोगों ने क्या कोऑपरेट किया, मदद किया, उन लोगों ने जांच की है अपने स्तर से? चेक किया जी, डीवाई सर ने, बीपी नॉर्मल है। डीवाई सर ने आश्वासन दिया, जब आपको मेडिकल टीम चाहिए आप कॉल कीजिए मजिस्ट्रेट साहब को भी, लेकिन हमारा डिमांड यही है कि सलाइन इनको यहीं पे चढ़ाया जाए। एक मतलब यहां से जाने नहीं देना चाहते आप? नहीं, मेडिकल यूनिट टीम उनको यहीं पे चाहिए जी, यही हमारा। इस बीच अगर आप लोग अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, हो सकता है तबीयत और नासाज हो जाए, बिगड़ जाए इनकी। राज्य का तो ये दुर्भाग्य है ना कि हम जैसे पास अभ्यर्थियों को धरना देना पड़ रहा जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। विश्वसनीयता खो चुकी है जेपीएससी। तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह जो गुलाम हुसैन है, जो पीटी परीक्षा में सफल हैं, इन्होंने मेंस की परीक्षा का फॉर्म भी फिलअप किया है, लेकिन इन्होंने विरोध स्वरूप यह अनशन शुरू किया है। और आज अनशन का तीसरा दिन है, पहला दिन ये लोग खुद जेपीएससी कार्यालय के समक्ष बैठे हुए थे, लेकिन देर रात पुलिस ने उनको वहाँ से हटा दिया, जबरन यहाँ पर लाया गया है। ये बापू वाटिका के अंदर पहले थे, फिर वहाँ से ये बाहर आए हैं और यहाँ पर ये अनशन इनका जारी है। कल भी इनसे बात हो रही थी, लेकिन अभी गहरी नींद की हालत में है और तबीयत भी इनकी ठीक नहीं है, लिहाजा हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनके साथी हैं इमाम सफी, आप भी अनशन कर रहे हैं, आपका भी अनशन चल रहा है? बिल्कुल, मैं अनशन अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुलाम जी का साथ दे रहा हूँ और उनके साथ, उनका थोड़ा सा तबीयत डाउन हुआ है जी। पर सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग झारखंड के युवाओं को अनशन करने के लिए मजबूर ना करें, अगर यदि ऐसा रहा तो हमको भी अनशन करना पड़ेगा और काफ़ी लोग और भी तैयार हो रहे हैं अनशन करने के लिए। यानी एक तरफ हम लोग देख पा रहे हैं कि उस छोर में जो पीएससी अभ्यर्थी सड़क पर बैठे हुए हैं, उसके दूसरे छोर में यानी कि बापू वाटिका के पास आप लोग अनशन चल रहे हैं, तो दो तरफ से दबाव बनाने की कोशिश है। तो लग रहा है इस बार मामला कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल सुलझना चाहिए, हम लोग का प्रयास रहेगा अपने जीते जी की। हम लोग जेपीएससी अभी देखिए ना, आमरण अनशन हम लोग का आखिरी हथियार है। हम लोग को दो तरह से रणनीति इसलिए अपनाना पड़ रहा है कि एक जो रणनीति उसको पुलिस जो है लाठी चला करके और केस करके दबाने की कोशिश करती है, इसलिए शांतिपूर्वक ढंग से हम आमरण अनशन जो गांधी जी का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा हथियार था उसको प्रयोग कर रहे हैं और चाहते हैं कि जेपीएससी जैसी भ्रष्ट संस्था में सुधार हो और जेपीएससी ये परीक्षा रद्द हो, यही हम लोग का कामना है। तो आपने सुना किस तरह से जो उनके साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं अब संजीदा हैं और कंसर्न हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरह के अनशन जारी रखना ही एक रास्ता है या फिर बीच का कुछ रास्ता निकल सकता है? सर, मुझे तो लगता है कि यही एक रास्ता बचा, अब केवल यही बचा हुआ हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में कोई रास्ता ही नहीं। सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, जेपीएससी हमारी बात सुन नहीं रही है, तो हम क्या करें? हमारे पास में एक ही मात्र एक विकल्प बचा हुआ जो कि अनशन है जी। अनशन हम पहले भी कर रहे थे, अब हम भूख हड़ताल पर उतरना पड़ा है जी। मगर लग रहा है कि अगर यहाँ से भी बात अगर नहीं बनती है तो क्या आप लोग करेंगे, आगे क्या रणनीति होगी? क्योंकि एक तरफ आपके जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, साथी हैं, वो सड़क पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप गुलाम हुसैन हो, तमाम लोग जो हैं वो अनशन कर रहे हैं, तो इसके बाद भी अगर सरकार पर प्रेशर दबाव नहीं बनता है तो क्या होगा आगे? अनशन अभी जारी रहेगा हमारी तरफ से, पूरी तरह से जारी रहेगा, भूख हड़ताल अभी और लंबा जाएगा। अभी तो सिर्फ एक हुए हैं, अभी हो सकता है कि आगे और भी अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे। के परिवार से किसी सदस्य से बातचीत हुई, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इनसे कंसर्न होंगे और कहीं ना पूछताछ तो जरूर कर रहे हैं। वो भी बहुत चिंतित हैं, वो भी लगातार फोन करते हैं तो पूछते हैं कि हमारा बेटा कैसा है जी। हम उन्हें सांत्वना दे रहे हैं केवल कि नहीं, आपका बेटा फिलहाल ठीक है जी। तो इसी तरह अनशन जारी रहेगा, क्योंकि 3 दिन में इनकी तबीयत खराब हो गई, बिगड़ गई, अब सलाइन चढ़ाने की जरूरत है, वैसी स्थिति और बिगड़ सकती है। मतलब उनके परिवार के लिए
कंट्रोल करना, उनको समझाना भी मुश्किल होगा आपको। हो सकता है कि इनके परिवार से हम लोग की बात हुई है, हो सकता है कि उनके परिवार से भी यहाँ पर कोई आए जी, यहाँ पर भी आ सकते हैं वो। अच्छा, क्योंकि इनको तो कहीं, इनका खुद का कहना है कि यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं है। स्लाइन के लिए भी मेडिकल टीम ने बोला कि शायद इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, बट इनका कहना है कि ये यहीं पर रहेंगे, स्लाइन भी यहीं पर चढ़ाई जाएगी। जो व्यवस्था है आपको यहीं पर देना होने जी, बिल्कुल हमने अवगत करा दिया है। हमारे एक पुलिस कांस्टेबल थे, कौन थे मुझे पता नहीं, बट एक पुलिसकर्मी थे जिनको हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि आप यहाँ पर एटलीस्ट एक मेडिकल टीम डिप्यूट कर दें, ताकि यहाँ पर जो भी फर्स्ट एड का काम हो कम से कम यहाँ पर हो सके। जी जी जी, और भी कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा कि इस तरह का अगर अनशन जारी रहा तो जाहिर सी बात है फिजिकल कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, और इस तरह दबाव बढ़ेगा तो सरकार माने ना माने वो सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन इनकी स्थिति अगर बिगड़ेगी तो आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है, परिवार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। जी सर, ये तो सही कह रहे हैं आप, ये चिंता का विषय है ही। अब थोड़ा भी अगर सिंपैथी नाम का चीज़ होगा माननीय मुख्यमंत्री के पास, तो वो स्थल पर आए और खुद अपनी आँखों से देखे क्या है। और रही बात नुकसान की, तो ये जिनका है भाई वो उनका नुकसान है जी, माननीय मुख्यमंत्री का कुछ नहीं, उनको क्या नुकसान है। तो लग रहा है कि छात्र हों या अभ्यर्थी हों, ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, वो अपनी जान की मतलब अपने जान को भी दांव में लगाने के लिए तैयार है। जी जी बिल्कुल, और ये अनिश्चित है। अभी आपने कहा कि ये कितने दिनों तक चलेगी, ये अनिश्चित। अगर गुलाम भाई थोड़ा भी अगर गंभीर होते हैं, इसके जगह में हम लोग और भी है लोग तैयार है, और ये अनिश्चित चलेगा। मतलब अगर ये तबीयत खराब हो जाती है, अगर इनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराने की जरूरत पड़ती है, तो इनकी जगह कोई और आ जाएगा, ये श्रृंखला चलता रहेगा। जी, ये चलता रहेगा। आप लोग भी इसके लिए तैयार है? बिल्कुल, हम लोग सब साथ में हैं, और जब तक अनशन चलेगा हम लोग इसके साथ में रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है वो हम लोग के बीच में आए और हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुने और इस विषय पर एक अहम फैसला लें, और हम लोग यही उम्मीद करते हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन हृदय आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह, देखिए 3 दिनों के बाद स्थिति जो गुलाम हुसैन की है वो बिगड़ गई है, और एक मामूली चादर के सहारे वो इस ठंड को काट रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कंसर्न का विषय तो ज़रूर है और गंभीर विषय है, लिहाजा ज़िला प्रशासन को इसको कहीं ना कहीं नोटिस करने की ज़रूरत है, ताकि ये समझा जा सके। और जो उनके साथ हैं, जो साथी लोग हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, दोस्त यार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार से भी लगातार क्वेरी आ रही है, उनसे भी पूछताछ हो रही है कि क्या कुछ उनकी तबीयत है, क्या कुछ स्थिति उत्पन्न हुई है। फिलहाल ये है कि तबीयत इनकी ज़रूर बिगड़ी है, लेकिन मेडिकल टीम आकर जाँच करके गई है, बीपी वगैरह जाँच हुई है, अभी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इनको सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 दिनों के से, जैसा इन लोग बता रहे हैं कि 3 दिन से इन्होंने बिल्कुल कोई भी अन्न ग्रहण नहीं किया है, इवन कि पानी तक नहीं पिया है। यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पर इनकी तबीयत और बिगड़ेगी, और कहीं कहीं ये हो सकता है कि इमरजेंसी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। लिहाजा ज़िला प्रशासन को चाहिए कि तत्काल कोई कदम उठाए और इनको प्रॉपर तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं ये कह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट आपको देना है वो आप यहाँ ऑन स्पॉट दें, ये इनको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे। अगर इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है तो इनके स्थान पर हम दूसरे अभ्यर्थी को लाएंगे, वो अनशन करेंगे, लेकिन ये अनशन का क्रम टूटेगा नहीं। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाजत, नमस्कार।